मंजिल तक पहुंचना है तो कांटों से नहीं डरना, क्योंकि कांटे ही तो हैं जो हमें हमारे कदमों की रफ्तार बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, डीपी शर्मा एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है कि हम चर्चा कर रहे थे बाल विकास की, किसकी बाल विकास की, तो बाल विकास में हमारी पहले क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बाल विकास का इतिहास पढ़ लिया है और उस इतिहास से रिलेटेड आपसे दो चार क्वेश्चन हो जाएं जिससे कि आपकी जो यादें हैं वो थोड़ी ताज़ा हो जाएं। तो चलो बात करते हैं कि सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किसने किया, तो आंसर आना चाहिए जॉन लॉक और थॉमस। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए कि सबसे पहले बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो आंसर आना चाहिए पेस्टोलॉजी। बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ की गई, न्यूयॉर्क में। कब की गई, 1887 में। बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल विकास का जनक कहा जाता है स्टेनली हॉल को। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई, अमेरिका में। कब की गई, 1893 में, शिकागो में की गई, और इसके प्रणेता कौन थे, स्टेनली हॉल थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि बेबी बायोग्राफी किसकी तैयार की गई और किसने तयार की, तो बता दें हम आपको कि बेबी बायोग्राफी पेस्टोलॉजी ने अपने पुत्र जिसका नाम था अल्बर्ट के व्यवहार का अध्ययन किया और उसकी बेबी बायोग्राफी तैयार की। इसके बाद हमने बात की थी कि भारत में बाल विकास का अध्ययन कब स्टार्ट हुआ था, तो भारत में बाल विकास का अध्ययन जो स्टार्ट हुआ था वो 1930 में हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें किसने किया था, तो नाम था ताराबाई मोडेक। क्या नाम था, ताराबाई मोडेक। इसके बाद हम बात करें कि भारत में बाल विकास का शैक्षिक अध्ययन की शुरुआत किसने की, तो आंसर आएगा गीजू भाई। कौन थे, गीजू भाई। गुजरात में उन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की। इसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभिवृद्धि एवं विकास। क्या रहेगा, अभिवृद्धि एवं विकास। हमें बाल विकास की सारी अवस्थाओं को समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है अभिवृद्धि एवं विकास को समझने के लिए। तो हम बात करें कि अभिवृद्धि और विकास है क्या, ठीक है। जो हमारा बाल विकास है, बाल विकास के हमारे दो घटक हैं। कितने, दो घटक, जिसमें से पहले घटक का नाम है क्या, अभिवृद्धि। क्या है, अभिवृद्धि। और सेकेंड घटक का नाम है विकास, ठीक है। हम बात करेंगे पहले अभिवृद्धि की। किसकी, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या होती है, थोड़ा हम इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे कि अभिवृद्धि क्या होती है। इधर देखिए, अभिवृद्धि जो होती है वो शुरुआत कहां से होती है, गर्भावस्था से लेके, गर्भावस्था से लेकर कहां तक होती है, केवल और केवल किशोरावस्था तक। कहां तक, किशोरावस्था। पूरी लाइफ हम अभिवृद्धि नहीं करते हैं, केवल किशोरावस्था तक। तो जानिए पहले गर्भावस्था, फिर उसके बाद में शिशु, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर बालावस्था हुई, फिर उत्तर किशोरावस्था हुई और किशोर हो गया, और यहाँ पे आके इसकी हाइट क्या, रुक गई। क्या अगर हमारा शारीरिक विकास होता रहे तो क्या फिर सोचो कि हमारी हाइट कितनी हो जाएगी। हमारी हाइट केवल और केवल किशोरावस्था तक बढ़ती है।
अगर जीवन पर्यंत हमारी हाइट बढ़ी तो सोचो कि दरवाजे खिड़की सब बंद हो जाए, सब छोटे पड़ जाएंगे, कितने बड़े बनवाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि वृद्धि जो होती है, अभिवृद्धि जो होती है, ये क्रम से चलती है। कैसे चलती है? क्रमिक रूप से चलती है, यानी कि कहीं छोटा कहीं बड़ा कुछ नहीं हो रहा ना। अगर बात करें, ये एक दिशा में चलती है। किस कैसे चलती है? एक दिशा में चलती है, रेखीय होती है। इसके बाद हम बात करें कि अभिवृद्धि जो होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के मात्रात्मक सकारात्मक परिवर्तन होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानव शरीर जो है कोशिकाओं से बना होता है, और ना कि मानव शरीर ही बल्कि विश्व के सभी प्राणी, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो आपको पता है एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं बनेंगी, कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी? ऊतक, टिश्यू बना लिया, बहुत सारे टिश्यू उनके क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे, बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे? अंग तंत्र बनाएंगे। ठीक है, और अंग तंत्र से फिर क्या बनता है? फिर क्या बनेगा? अंग तंत्र से पूरे हमारा शरीर बन जाता है, बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, कि जो हमारी अभिवृद्धि जो होती है गर्भावस्था से लेके परिपक्व अवस्था तक चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं में धनात्मक परिवर्तन होता है। कैसा होता है? धनात्मक परिवर्तन होता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, अगर हमारी कोशिकाएं वृद्धि कर रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो संकेत है वो किशोरावस्था की ओर है। क्या है? किशोरावस्था की ओर हमारा संकेत है। अगर बात करें कि हमारी कोशिकाओं की क्षति हो रही है तो संकेत किसकी ओर है? वृद्धावस्था की। जैसे कि हम बात करें कि बुढ़ापे में जब बुजुर्ग होते हैं तो स्किन ढीली पड़ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, क्या हो रहा है? कोशिकाओं की क्षति हो रही है। दांत टूट जाते हैं, क्या हो रहा है? कोशिका की क्षति हो रही है। इसके बाद एक सोरेंसन व्यक्ति हुए, कौन? सोरेंसन कहते हैं कि अभिवृद्धि क्या है? शारीरिक विकास ही क्या है? अभिवृद्धि है, यानी कि शारीरिक परिवर्तन क्या है? अभिवृद्धि है। ठीक है, और सोरेंसन क्या कहते हैं कि जो अभिवृद्धि होती है वो भौतिक होती है। भौतिक का मतलब समझते हो? यानी कि भौतिक अगर कोई वस्तु होगी तो हम उसे माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो अभिवृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। ठीक है, गणनात्मक और संख्यात्मक एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद में सोरेंसन महोदय कहते हैं कि जो अपनी अभिवृद्धि होती है वो अमूर्त होती है। कैसी होती है? मूर्त होती है। मूर्त से तात्पर्य निकालें तो मूर्त क्या होता है? मूर्त से हमारा तात्पर्य होता है कि किसी वस्तु को छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। तो सोरेंसन के अनुसार हम बता रहे हैं कि अभिवृद्धि क्या है, कि अभिवृद्धि भौतिक है। भौतिक का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु भौतिक है तो हम उसे माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है,
तो सोरेनसन कहते हैं कि अभिवृद्धि जो है वो मूर्त है। कैसी है? मूर्त है। और मूर्त का मतलब होता है कि किसी वस्तु को छूना, छूके महसूस करना, देखना, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है। और वो बच्चा हमारी आंखों के सामने हम देखते हैं कि 2 साल का बच्चा इतना बड़ा है, 4 साल का इतना है, 6 साल का इतना है, और फिर बड़ा होता जा रहा है। तो यानी कि हम उसे देख रहे हैं और देख के हम महसूस कर रहे हैं कि बच्चे में वृद्धि हो रही है, कर रहे हैं ना। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? विकास की। किसकी बात करेंगे? विकास की। विकास की बात करते हैं। विकास के बारे में बात करें तो एक महोदय हैं जिनका नाम है एलिजाबेथ हरलॉक। कहती हैं कि विकास क्या है। तो वो कहते हैं कि विकास जो है, विकास क्या है? पुराने चिन्हों का लोप है और नवीन चिन्हों का उद्गम है। क्या है? पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उद्गम या उदय, ठीक है। वो कैसे? थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे कि बच्चा जब शैशवावस्था में होता है, छोटा होता है, उसके पास खिलौने होते हैं, ठीक है, और वो अपने खिलौनों से खेलना पसंद करता है। अगर कोई पड़ोस का बच्चा आ जाता है या उसका भाई बहनी कोई उसके खिलौनों से खेलना पसंद करता है, खेले और उसके खिलौनों को ले, तो वो रोने लग जाता है और बोलता है कि मेरा खिलौना मुझे दो, कहता है, ठीक है। वो क्या है? ये उसकी आदत है, ये उसका एक चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बालक थोड़ा बड़ा होता है, बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, तो बाल्यावस्था में जाके वो क्या करता है कि वो ये देखता है कि मेरे फ्रेंड्स के पास कोई खिलौना नहीं है, तो चलो मैं इसे अपने साथ खिला लूँ। शैशवावस्था में अकेला खेलना पसंद करता है, लेकिन बाल्यावस्था में वो अपने और साथियों के साथ खेलना पसंद करता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? पुरानी आदतों का लोप हो रहा है और नई आदतों का विकास हो रहा है। नवीन चिन्हों का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। इसी प्रकार जो बाल्यावस्था में जो उसकी आदतें थी वो भी बदलती जा रही है, और किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते वो आदतें बिल्कुल बदल गई और नई आदतों का विकास हो गया। उसके बाद विकास जो है क्या है? विकास कोशिकाओं में होने वाला मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणात्मक परिवर्तन है, ठीक है। तो गुणात्मक से अगर हम बात करें तो गुणात्मक का अर्थ होता है कि योग्यताओं में गुणात्मक की बात करते हैं। गुणात्मक क्या होता है? गुणात्मक का मतलब होता है कि योग्यताओं में सकारात्मक परिवर्तन, इसके बाद हम बात करें क्या कुशलताओं में परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कुशलता में परिवर्तन। इसके बाद हम करें कि व्यवहार में भी परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल, व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। क्षमताओं में, यानी कि गुणात्मक से हमारा तात्पर्य क्या निकल रहा है कि क्षमताओं में सकारात्मक परिवर्तन, योग्यताओं में सकारात्मक परिवर्तन, कुशलताओं में सकारात्मक परिवर्तन एवं व्यवहार में सकारात्मक
परिवर्तन। हमने पहले अभिवृद्धि की बात की थी, अभिवृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन था और गुणा इसमें विकास में क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि विकास, विकास क्या होता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नवीन कुशलताओं का जन्म होता है। कैसी प्रक्रिया है? नवीन कुशलताओं को जन्म देने वाली प्रक्रिया है। क्या है? नवीन कुशलताओं को जन्म देने वाली प्रक्रिया है क्या? विकास। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनके अंतर की, किसकी? अभिवृद्धि एवं विकास के अंतर की। तो जान लें कि अभिवृद्धि जो हो रही है हमारी, वो केवल एक निश्चित जगह पर हो रही है। कहाँ हो रही है? निश्चित जगह पर हो रही है। देख पा रहे हो, एक ही जगह पर हो रही है हमारी अभिवृद्धि। और विकास की बात करें तो विकास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, यानी कि विकास का आपको अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? सीमित। अंतर, अभिवृद्धि और विकास, दोनों का अंतर हम इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि अभिवृद्धि एकदम छोटा सा स्वरूप है। ठीक है, यानी कि अभिवृद्धि का जो क्षेत्र है वो क्या है? सीमित, सीमित है, या हम संकीर्ण कह सकते हैं। ठीक है, और विकास, विकास का क्षेत्र आप देख रहे हो कि पूरा है, पूरा है, देख पा रहे हो। ठीक है, तो विकास का क्षेत्र व्यापक। अभिवृद्धि जो है केवल शारीरिक विकास है। क्या है? शारीरिक विकास। अगर हम विकास की बात करें तो विकास शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है और संवेगात्मक विकास भी है। जैसे कि आप पिक्चर के माध्यम से समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो कि हमारे पास जो विकास की अवस्थाएं, ये चारों अवस्थाएं हमें देखने को मिलेंगी। सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। ठीक है, ये चारों पॉइंट हमारे पास सिलेबस में है, हम चारों को डिस्कस करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हम केवल छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ समझ लेते हैं, जिससे कि हमें आगे समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मानसिक विकास से तात्पर्य है कि बच्चा खुद अपने तरीके से अपने गेम बना रहा है, अपने तरीके से काम कर रहा है, वो अपने दिमाग का सदुपयोग कर रहा है और अपने दिमाग को विकसित कर रहा है। ठीक है, यहाँ आप विकास को पूरे को देख रहे हो कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विकास जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जन्म के बाद स्टार्ट हुआ है। कब से? जन्म से। ये जन्म से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक? वृद्धावस्था तक। ठीक है, पहले हम विकास की बात कर लेते हैं कि यहाँ तो शारीरिक विकास हो रहा है और यहाँ संपूर्ण विकास है। संपूर्ण विकास से तात्पर्य हमारा कि सामाजिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, संवेगात्मक विकास भी है और शारीरिक विकास भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो अभिवृद्धि है वो कहां से कहां तक है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। कहां तक? किशोरावस्था तक। अगर हम यहां विकास की बात करें तो विकास कहां से है? जन्म से लेकर वृद्धावस्था, जन्म से लेकर कहां तक चलेगा? मृत्यु पर्यंत। ठीक है, मृत्यु
पर्यंत। अपने कवियों ने ये जो मनुष्य का जो जन्म है ना, इसकी तुलना एक पुष्प से की है। किससे की है? एक पुष्प से। और उन्होंने बताया है कि ये जो पुष्प होता है ना, एक कली होती है पहले, ठीक है। तो जो कली है वो क्या है? हमारा कली है हमारी शेष अवस्था। क्या है? शेष अवस्था। कली थोड़ी सी बड़ी होती जाती है, खिलती जाती है, खिलती जाती है, और वो फूल बन जाता है। क्या बन गया? फूल। यहाँ पूरा खिल गया। फूल खिलने से मतलब है हमारी किशोरावस्था। अब एक किशोरावस्था का निश्चित समय होता है, वृद्धि का एक निश्चित समय हो गया। समय की बात करते हैं कि निश्चित समय होता है और ये अनिश्चित होता है। यानी कि विकास अनिश्चित समय तक होता है, मृत्यु पर्यंत, जीवन जब से जन्म होता है जब से मृत्यु पर्यंत होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि जो अपना, हम बात कर रहे थे कि अपना जो कवि है वो कहता है कि मानव जो जीवन है वो एक पुष्प के समान है, कि पुष्प कली होता है तो यानी कि शैशवावस्था, खिल जाता है तो वो किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद में उसकी कोशिकाओं में क्या होती है? क्षति होती जाती है, और वो धीरे 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 मुरझाता चला जाता है। यानी कि क्या आ गया? बुढ़ापा, ठीक है। फूल मुरझा गया, बुढ़ापा आ गया। बड़ी अच्छी तुलना की है किसी कवि ने। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या शारीरिक विकास या वृद्धि, हम वृद्धि की बात करें कि वृद्धि विकास में निहित है या विकास वृद्धि में निहित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो कि विकास तो ये पूरा है। क्या है? विकास तो पूरा है, वृद्धि केवल इतनी है। तो कह सकते हैं कि वृद्धि जो है विकास में निहित है, ठीक है। वृद्धि विकास में निहित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भविष्यवाणी कर सकते हो क्या? अभिवृद्धि की भविष्यवाणी कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको क्या पता कि 2 साल बाद बच्चा कितना लंबा होगा, कितना मोटा होगा? लेकिन विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आज हमारा बच्चा अगर पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो बच्चा है वो काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, और अगर हम इसको जैसे किसी गवर्नमेंट जॉब में डालना चाहें उसके अनुरूप तो वो उसमें सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भविष्यवाणी हो जाएगी किस में? विकास में। अभिवृद्धि में भविष्यवाणी नहीं होगी, ठीक है, और विकास में हो जाएगी। ठीक है, हम बात करें कि क्या अभिवृद्धि किससे प्रभावित होती है? तो अभिवृद्धि जो प्रभावित होती है वो मोस्टली किससे होती है? वो होती है अपने वंश क्रम से। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर पापा मम्मी की हाइट अच्छी है तो बच्चे की भी हाइट अच्छी हो जाती है। पापा मम्मी का इंटरेस्ट अगर समाज में बैठने में है, सामाजिक कार्यों में है, तो बच्चे का भी इंटरेस्ट कैसा हो जाता है? सामाजिक कार्यों में हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्या कि जो अभिवृद्धि है हमारी वो क्या करती है, अभिवृद्धि वंश क्रम से प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। अगर हम बात करें किसकी, विकास की, तो जो विकास हमारा होता है वो वंश क्रम से और वातावरण से,
दोनों से प्रभावित होता है। वातावरण से कैसे होगा? क्योंकि अगर हमारे आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा होगा, ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, हमें अच्छा शौक लगा समाज सेवा करने का, लेकिन हमारे अड़ोसी पड़ोसी कभी कभी नहीं होते हैं कि हम उनकी सेवा करें, तो क्या हुआ, प्रभावित हुआ ना, हमें लगा कि हमारे पड़ोस में सभी लोग बड़ी अच्छे से सहयोग करते हैं एक दूसरे का और सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, तो उन्हें देख के हमारे अंदर भी कुछ भावनाएं जागृत हो जाती हैं और हम भी क्या करते हैं, उनमें भाग लेने चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या अभिवृद्धि तुरंत देखने को मिलती है? बिल्कुल मिलती है। जैसे कि आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि हमने तुम्हें एक साल पहले देखा था, तब तो तुम इतने लंबे नहीं थे, तब तो तुम इतने मोटे नहीं थे, अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया। ठीक है, यानी कि जो अभिवृद्धि है वो त्वरित है। क्या है? त्वरित है, लेकिन विकास अपने धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। क्या आपने सीधा ही PhD कर लिया? नहीं किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंटिन्यू करते गए, ट्वेल्थ किया, ग्रेजुएशन किया, BEd किया या PG किया, उसके बाद आपने PhD किया होगा। ठीक है, यानी कि आपकी हाइट तो तुरंत बढ़ सकती है, बच्चों में देखने को मिलती है कि एक साल में काफ़ी चेंजिंग हो जाती है, लेकिन PhD एक साथ नहीं कर सकते, विकास एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, पैसा एक साथ नहीं कमा सकते, वो दो नंबर की काला धन हो जाए वो हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर आपको मेहनत से करना है तो वो तो धीरे धीरे ही विकास होता है। ठीक है, हम बात करें वृद्धि की, वृद्धि संपूर्ण जीवन नहीं चलती है, विकास जो है जिस टाइम तक व्यक्ति मृत्यु पास होती है ना, उस टाइम तक भी ये सोचता है कि मैं एक प्लॉट और खरीद लूँ, ठीक है, मैं एक गाड़ी और खरीद लूँ। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अभिवृद्धि होती है वो कैसी होती है, वो रचनात्मक होती है। कैसी होती है? रचनात्मक। रचनात्मक होती है, और विकास जो होता है वो हमारा रचनात्मक भी होता है और हास्य भी होता है। ठीक है, उसमें क्षति भी हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये अभिवृद्धि रेखीय होती है और विकास हमारा चहुमुखी होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि अभिवृद्धि कैसी हुई, सीमित हुई, संकीर्ण हुई, कैसे हुई, आपको फोटो में दिख रहा है। विकास कैसा हुआ? व्यापक हुआ, मानसिक भी हुआ, संवेगात्मक भी हुआ, सामाजिक भी हुआ और शारीरिक भी हुआ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि वृद्धि जो है केवल और केवल शारीरिक होती है और विकास जो होता है वो हमारा संपूर्ण होता है। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी ग्रोथ भी होती है, हम पढ़ने लिखने में भी आगे जाते हैं, हम जॉब भी करते हैं, हम पैसा भी कमाते हैं, हम बिजनेस भी करते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अवधि होती है वो क्या होती है, अभिवृद्धि की जो अवधि होती है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होती है, और विकास की जो अवधि होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जो अभिवृद्धि होती है वो निश्चित समय सीमा होती है, इसकी निश्चित समय सीमा होती है, और विकास अनिश्चित होता है। इसके बाद अभिवृद्धि की बात करेंगे कि अभिवृद्धि विकास में निहित होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि विकास का ही एक अंग है। ठीक है, इसके बाद अभिवृद्धि में तुम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो, हम नहीं बता सकते कि ये बच्चा हमारा 6 फीट लंबा होगा या 5 फीट रहेगा। ठीक है, लेकिन विकास में हम बच्चे के हाव भाव और उसकी योग्यताओं को देखते हुए हम बता सकते हैं क्या, कि ये बच्चा कहाँ तक अपनी प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अभिवृद्धि है वो किससे प्रभावित होती है, वंशक्रम से। किससे? वंशक्रम से, यानी कि पापा मम्मी की हाइट अच्छी है तो बच्चों की भी हाइट अच्छी देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही, साइंस कहती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, विकास की। विकास पे जो प्रभाव पड़ता है वो वंशक्रम का भी पड़ता है और किसका पड़ता है, वातावरण का भी पड़ता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद एक चीज और रह गई कि जो अभिवृद्धि होती है वो क्या होती है। अभिवृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें
जिसमें कोशिकाओं का क्या होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। और विकास क्या होता है, विकास होता है कि कोशिकाओं में सकारात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आज तक की हमारी केवल यही क्लास थी। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके जिज्ञासा का, आपके क्वेश्चंस का स्वागत है। आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हो, आपको आंसर दे दिया जाएगा। यहाँ आज तक की क्लास यहीं तक, फिर इसके बाद में